चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ आलू मटर गोभी मिक्स स्टफ्ड मेथी के पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मेथी के पत्ते सर्दियों के मौसम में पाए जाते हैं और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेथी के पत्ते कड़वे होते होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेथी के पत्ते से बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं, लाइक मेथी आलू, मेथी दाल, चीले। पर आज मैं आप लोगों के साथ मेथी के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। मेथी टेस्टी होने के साथ साथ काफी हेल्दी भी होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सर्दियों में हेल्दी और फिट रहने के लिए इसे अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू को छील कर धो करके काट लिया है। अब कुकर में आधे ग्लास पानी डालेंगे और कुकर में सारे आलू को डालकर बॉयल कर लेंगे। कुकर का लिड लगा दें, एक या दो विसल आने तक आलू को बॉयल कर लेंगे, गला लेंगे। मैं थोड़े से गोभी को छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ और एक कप मटर दोनों को अच्छी तरह वॉश कर ली हूँ। अब इसे बॉयल कर लेंगे। इसे ज़्यादा बॉयल नहीं करें, नहीं तो पराठा अच्छी तरह स्टफ्ड नहीं बन पाएगा। आलू बॉयल हो चुका है, अब हम गैस का फ्लेम करेंगे बंद। गोभी मटर को भी हम चेक कर लेंगे, ये गल चुका है। अब इसे अच्छी तरह छान करके मैश कर लेंगे। वैसे तो सिर्फ आलू का भी स्टफिंग तैयार करके मेथी के पराठे बनाए जाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से मेथी के पराठे ज़रूर ट्राई कीजिए, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे और थोड़ी देर चटकने देंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज की प्याज को मैं ऑमलेट कट काट ली थी, अब इसे हल्की ब्राउन होने तक तल लेंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। मैं 7 से 8 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल रही हूँ। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसमें मैश की हुई गोभी और मटर डालूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गोभी और मटर को अलग अलग मैश किया है। सबसे पहले मैं तली हुई प्याज में मैश की हुई गोभी को डालूंगी और इसे लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट हो गया है, अब मैं इसमें मैश की हुई मटर को डालूंगी और इसे भी 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें, मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक डाल रही। अब इसे मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल रही और आधी मैं बाद में डालूंगी। गोभी मटर को फ्राई किए हुए 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें मैश की हुई आलू को भी डालकर 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें धनिया की पत्ती डालेंगे। तो ये देखिए, मेथी के पराठे बनाने के लिए हमारी मज़ेदार सी आलू मटर और गोभी की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब स्टफिंग को एक बाउल में निकाल लेंगे ठंडी होने के लिए, जब तक हम आटे से डो तैयार कर लेते हैं। मैं एक बड़े बाउल में 1.5 ग्लास आटा ले रही। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप आटे की क्वांटिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। मेथी के पत्ते को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके छोटे टुकड़ों में काट लिया है, अब मैं इसे आटे वाले बाउल में निकाल लेती हूँ। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच नमक डालकर मिक्स कर लें। याद रहे, स्टफिंग में ऑलरेडी नमक है, इसलिए हम नमक यहाँ पर हिसाब से डालेंगे। पराठे को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ी सी कटी हुई धनिया की पत्ती डाल दें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम आटे से डो तैयार कर लेंगे। याद रहे, डो हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं तैयार करनी है, डो हल्की लचीली होनी चाहिए ताकि पराठा बेलते वक्त स्टफिंग बाहर ना निकले। डो तैयार करने के लिए मैं 1 ग्लास पानी ली थी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे और इसे सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट तक ढक कर रख दें। 15 मिनट हो गया है, अब हम डो से थोड़े से आटे को तोड़ के लोई बना लेंगे। आपको जिस हिसाब की लोई चाहिए, छोटे या बड़े, आप उस हिसाब की लोई बना लें। अब हम आटे का एक पेड़ा लेंगे और इसकी कटोरी बना लेंगे।
सेंटर में आपको थोड़ा सा मोटा रखना है और साइड में आपको इस तरह से पतला करना है। अब हम इसमें आलू के मसालों को डालेंगे और अंगूठे की हेल्प से प्रेस करेंगे। राइट हैंड के अंगूठे से मसाले को दबा दबा कर हम लोई को सील कर लेंगे। इसमें सूखे आटे को लगाकर इसे बेल लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पराठे को हम साइड साइड से हल्की हाथों से घुमाकर बेलेंगे, इससे पराठे का स्टफिंग बाहर नहीं आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तवा हमारा मीडियम फ्लेम पे है, तवा गर्म हो गया है। अब हम पराठे को तवे पर डालेंगे। जब पराठे एक साइड से हल्की सिक जाएगी तब इसे दूसरी साइड गोल्डन चित्ती आने तक सिकने देंगे। इसके बाद हम पराठे को तेल या घी में फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, आलू मटर गोभी स्टफ्ड मेथी पराठे रेडी हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसमें ऊपर से भी घी लगा सकते हैं। पराठे बहुत ही मज़ेदार बने हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।